हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह 2023 बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर आएगा, तो अगर आप 12th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर है वो कैसा आएगा, ठीक है, हार्ड आएगा या इजी आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे। और ये एक वायरल पेपर है, इससे कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं और इस बार भी आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को, पूरे पेपर को बताऊंगा कि इस किस प्रकार से आपको ये पेपर किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है क्लास 12 भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। आपका जो पूर्णांक है मैक्सिमम मार्क वो 70 मार्क का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। कुछ निर्देश यहां पर दिए गए हैं, देखिए यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब देखिए दूसरा क्या है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, आ बा सा द और या, ठीक है, 5 खंड है इस पेपर में। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और खंड बा में आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है 1-1 नंबर वाले, ठीक है। खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर वाले, और खंड दा में भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर वाले, और खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाले, ठीक है। यानी कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के भी आएंगे, 3 नंबर के भी आएंगे, ठीक है। और देखिए नीचे अब आते हैं, खंड का की बात करते हैं, खंड आ, ठीक है, जिसका नाम खंड आ दिया गया है। खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर फर्स्ट का निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, बताइए इन चारों में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका जो वेव लेंथ होता है, तरंगदैर्ध्य, वो न्यूनतम होता है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, गामा किरणें। गामा किरणें जो होती हैं उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है ये न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है इन चारों में से, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, खा वाला, एक गतिमान कण का संवेग पी है, द्रव्य तरंग की प्रकृति तरंगदैर्ध्य होगी, यानी कि अगर कोई गतिमान कण है जिसका जो संवेग है वो पी दिया गया है तो बताइए द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तो ये क्या होगा बताइए, आप लोग ही बताइए, ये होगा एच अपान पी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान पी। अब हमारे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट कहेंगे सर एच क्या है, एच है प्लांक नियतांक, पी है हमारा संवेग, लैम्डा है तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गा वाला देखिए, किरचाफ का पहला नियम, इसको ध्यान से समझिएगा क्या है, किरचाफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यानी कि जो किरचाफ का पहला नियम है जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। किरचाफ का जो दूसरा नियम है वोल्टता का नियम, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होगा क्योंकि ये किरचाफ का पहला नियम है, ठीक है। अब देखिए आगे, घा वाला देखिए, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल, यानी कि ये आपके लास्ट चैप्टर से है, अर्धचालक से, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या होता है, ठीक है, पीएन संधि डायोड में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्पसंख्यक आवेश, ठीक है। जो अल्पसंख्यक आवेश होते हैं ये पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा नंबर, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्या वाहक होते हैं, यानी कि जो पी टाइप का अर्धचालक होता है और एन टाइप का अर्धचालक होता है इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन कोटर, सेकंड है इलेक्ट्रॉन कोटर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन कोटर, थर्ड है कोटर इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन व धन दोनों, ठीक है, धनायन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावाला, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है, यानी कि जो मीटर ब्रिज होता है इसकी जो तार होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो वो होता है मैग्नीन एवं यूरेका का, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, का खा गा
धा, अंगा और चा। टोटल 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे, 6 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। अब ये 6 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपली सिंपली पूछे जाते हैं, तो वो आपको आंसर देना होता है। अब आते हैं खंड बा में, ठीक है, आ के बाद बा आएगा। बा में क्या रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के, ठीक है। जैसे देखिए, दूसरे का क्या का है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है, यह आपको बताना है। खा है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। गा है समस्थानिक का अर्थ बताइए, ठीक है, समस्थानिक, ठीक है, जिसके परमाणु भार समान लेकिन क्या हो, देखिए समभारिक का मतलब होता है जिसके परमाणु भार समान हो, ये समस्थानिक है, इसके परमाणु क्रमांक समान होंगे, परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे। घा है रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। घा है संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। और चा, ये जो क्वेश्चन आ गया है ये आपके सिलेबस से हट गया है, क्योंकि गेट जो आपका था लॉजिक गेट्स वो हटा दिया गया था 2022 में ही, ठीक है। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हुए, ये भी आपके 6 क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अब आते हैं खंड सा पर, ठीक है, खंड सा में क्या रहेगा, खंड सा जो हमारा होगा ये है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, देखिए 2 नंबर, ठीक है। देखिए इसमें का है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। खा है एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है 5 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, ठीक है। अब तार की अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या होता है बताइए, क्यू अपान ई, ठीक है, ये होता है क्यू अपान ई, तो क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई टी अपान ई हो जाएगा, ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गा वाला हमारा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य रेडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात कीजिए, और घा वाला है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन रहेंगे आपका, 8 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 4 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर, दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं खंड दा पर, खंड दा में क्या होगा, इसमें भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, बट भैया 3 3 नंबर वाले होंगे इसमें। देखिए जैसे का है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए, 3 नंबर, ठीक है। खा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, 3 नंबर। गा है ब्रूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए, अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, 3 नंबर। घा है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, 3 नंबर, ठीक है। अंगा है आपका एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 15 नंबर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। अब आते हैं अपने इसी में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपके हो गए 3 नंबर वाले क्वेश्चन, अभी 3 नंबर वाले में और भी क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन में भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखिए 3 3 नंबर वाले बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आप में आएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर के यही होते हैं। देखिए एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। खा वाला देखिए ये है, गा वाला है एलईडी क्या है परिपथ बनाकर बताइए, घा वाला किरचॉफ के नियमों का परिपथ चित्र बनाकर समझाइए, और एक और है, ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे देखिए अभी तक आपको अथवा लगा हुआ नहीं मिला था, लेकिन घा वाले में आपको अथवा भी लगा रहेगा, आपको किरचॉफ के नियमों को परिपथ के साथ समझाना है, मान लीजिए नहीं पता है तो नीचे देखिए अथवा लगा है ये, ठीक है, इसमें आपको अथवा मिलेगा, अथवा लगा है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अंगा नंबर रहेगा इसमें भी अथवा, इसमें अथवा नहीं रहेगा, ठीक है, अंगा नंबर आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको ये न्यूमेरिकल टाइप का सॉल्व करना है। तो इसमें भी 5वें क्वेश्चन में भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर आपको मिलेगा। तो जो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 30 नंबर के रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं अपने लघु विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि होगा खंड या, ठीक है,
हमारा लास्ट, देखिए इसमें क्या है। सिक्स नंबर, संधारित्र की धारिता की परिभाषा, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये आपको पता है तो करिए, नहीं तो अथवा लगा रहेगा। देखिए विस्तृत स्तरीय प्रश्नों में अथवा आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन रहेंगे आपको एक ही करना होगा, मान लीजिए आपको नहीं पता तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए सातवां क्वेश्चन जो हमारा है, अगर आप इसको करेंगे तो ठीक है, नहीं पता है तो भैया अथवा लगा है, आप दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र बता दीजिए, ठीक है, ये भी चलेगा। इसके बाद में आठ नंबर है एलसीआर संयोजन के लिए, ये आपका विस्तृत उत्तरीय है, नहीं पता है तो अथवा लगा है, आप इसको बता दीजिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर, देखिए ये आपका दिया गया है, नहीं पता है तो अथवा लगा है, आप हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन तो आठ रहेंगे लेकिन हमें करना चार होगा, और याद रखिएगा जैसे नाइन नंबर है तो इसके दो में से एक जरूर करना है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कर लें, ठीक है। तो ये आपके पांच नंबर के एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन करना है, बीस नंबर इसका भी रखा है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा फिजिक्स का पेपर होता है, पूरा पेपर देखिए, यहाँ पर पूरा पेपर हमारा फिनिश होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था क्लास 12 फिजिक्स का पूरा पेपर, कि आखिर कैसे आएगा, कितने नंबर के क्या रहेंगे, मैंने बताया छः नंबर के आपके रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, छः नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, फिर दो दो नंबर वाले रहेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये दो दो नंबर वाले आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, कितने आठ नंबर के रहेंगे, ठीक है, कितने नंबर के, आठ नंबर के, दो दो नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सभी को आप ऐड करेंगे आपका आ जाएगा, देखिए छः नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, छः नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न, आठ नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में तीस नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उसके बाद में बीस नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, टोटल कितना हुआ जोड़िए, देखिए 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20, 30, 50, 50, 20, 70, ये आपका पूरा 70 मार्क का पेपर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 70 नंबर का पेपर रहेगा। इस वीडियो को देखने से ये तो आपको पता चल गया कि फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर के आएंगे, आधा पेपर लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही अगर आप और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।